राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज गोपालगंज पहुंचे हैं और कई सालों के बाद अपने गांव पहुंच रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कितने सालों के बाद गांव आना हो रहा है सर, और क्या करीब तो 3 साल हो गए अपना गृह जिला और गांव आने का। इसके लिए इसका कारण है कि मैं तो पूरे देश भर में, बिहार भर में, हर कोने कोने में घूमते रहता था बराबर, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट होने की वजह से ये बाधा पहुंचा। मैं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य जो रहती है सिंगापुर में, उसके पति रहते हैं वहाँ जॉब में, और उसने अपना जीवन दान दे दिया समझिए। अपना किडनी बिना अपने लाइफ का प्रवाह किए हुए उसने सुपुर्द कर दिया हमको, और वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद 6 महीने वहाँ रहने के बाद अस्पताल के देख रेख में मैं वहाँ था। फिर वापस भारत डिस्चार्ज हुआ वहाँ से, हॉस्पिटल से था है। और तब से वहाँ के डॉक्टर साहब, डॉक्टर लई चाइनीज हैं, चीन के हैं, समझिए कि गॉड है वो, डॉक्टर गॉड है मरीजों के लिए, और उन्होंने दवा दिया। उनके मार्गदर्शन में अभी भी हम रहते हैं। और क्या दिनचर्या रह रही है सर, डॉक्टर ने क्या क्या खाना पीना हो रहा है, क्या क्या दिनचर्या परहेज वगैरह में, मतलब नॉन वेज पर परहेज करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, न हो पाता है। फिर भी मनाही नहीं था, बहुत नॉमिनल ले सकते हैं शाकाहारी भोजन और वेजिटेरियन भोजन भी प्रेफर किया है डॉक्टर साहब, और ब्लड टेस्ट वगैरह करा के बराबर वहाँ भेजते हैं क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, और फिर उनका क्लियरेंस मिलते रहता है। और अभी आए हैं, अभी फिर एक ब्लड टेस्ट करके भेजवाए थे, शुगर ज़्यादा बढ़ रहा था, शुगर मीठा पे परहेज नहीं हो पा रहा है क्या सर? नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने और बेटी ने खुद सब मना लो किया। चाय ज़्यादा पी लेते थे, पूरा दूध में चीनी डाल करके, और नॉन वेज में मुर्गा और चिड़िया वगैरह भी ले लेते थे। आज भी चिड़िया खा रहे हैं सर? खाते हैं, अब बंद कर दिया ये सब से, कभी कभी खा लेते हैं उसको। और मटन ये डेली मतलब इधर चला, मैंने कोई इस सावन है उसका परवाह नहीं किया, केयर नहीं किया। सवेरे से दिन में फूल मतलब समझो आधा किलो सत्तू घोर के सान के अचार उचार के साथ खा लेते थे। दिन का भोजन शाम को 2 रोटी और चिकन वगैरह ऐसे भी बोलते खाते थे, लेकिन उसको भी अभी बंद कर दिया। शुगर जो बढ़ा थोड़ा तो इसको एकदम बंद कर दिया, अब वो डाउन हो रहा है। ठीक है भीतर से और कोई, लेकिन परहेज तो करना है, केयर करना है, डॉक्टर ने भी सुझाव दिया है। इस स्वास्थ्य में भी ये नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, इस लड़ाई में अधर्म निष्ठा की लड़ाई को मजबूत करने के लिए 18 दल के साथ मिल करके हम लोग एक इंडिया करके अपना
गठबंधन हम लोगों ने बनाया है और पटना में मीटिंग होती रही और फिर बेंगलोर में और अभी बम्बई में जा रहे हैं 31 तारीख को। वहाँ पर हम लोग एक तरह से फाइनल ही करेंगे ताकि टाइम अब नहीं है लोकसभा का। मीटिंग में क्या कौन कहाँ से कितना लड़ेगा क्या इस बात पे भी फाइनल होगा? एक फाइनल करेंगे, उसका एक स्वरूप बना लिया जाएगा और स्वरूप बना लेने के बाद जो जहाँ मजबूत है ताकतवर है तो वो सब हम लोग उसका ध्यान रखेंगे और सब मिल करके हम लोग इंडिया को हम लोग विक्ट्री दिलाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ बताया हुआ संविधान को जो बिगाड़ रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं उसको हम लोग एकदम इंटैक्ट और मजबूत करेंगे। ये भी चर्चा चली कि इंडिया का कन्वेनर है किसी को बनाया जाएगा, नीतीश कुमार का भी नाम आया कि क्या कन्वेनर बनाया जाएगा? लोग कोई भी हो सकते हैं, वहाँ सब लोग बैठ के हम लोग कर जो भी होगा राय। कन्वेनर का मतलब सबका मने सहमति से ही कुछ भी होगा, उस इसमें कोई झंझट हर फटफट नहीं है, कुछ हम लोग बैठ के तय करेंगे और स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को काम करने में अपने अपने राज्यों में। और हर स्टेट में भी कन्वेनर अलग अलग बनाए जाएंगे? हाँ, हर एक स्टेट में भी अलग अलग कन्वेनर बनाए जाएंगे। हमारे कई एक स्टेट मिला के इतना सब इतना कन्वेनर बनाने से क्या फायदा? मान लीजिए कि एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो चार राज उनके में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए और लोगों से संपर्क करके लोकल लीडर से पार्टी से ऐसे होगा, इसमें कोई झंझट नहीं है, फाइनल हो गया है सब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है वो परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इतना बेचैन और परेशान है, इतना बेहोश की तरह बेहोशी की तरह बात करते हैं, ये भी बात बोलते हैं। बताओ, देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी चुनेगी और ये बता रहे हैं कि 24 में हम ही झंडा फहराएंगे, हम ही सब बजट फिर बनाएंगे। ये तो ऐसा तो हम लोगों ने देखा नहीं था, प्रधानमंत्री सुना नहीं था, ये बेचैनी है इनको। और बेचैनी का खमियाजा ये है कि अब उसमें उभारेंगे। आपने तो ऐलान भी कर दिया कि अगले बार नहीं बनेंगे, बनने का कहाँ सवाल है? अब बनने का वोट अब कहाँ है? आप सब हम लोग सब जगह कंप्लेन करेंगे। सर, एक चर्चा ये भी हुई थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो तेजस्वी जो है यहाँ बिहार मुख्यमंत्री संभालेंगे। केंद्र राज की राजनीति एक ही राजनीति होती है, राज में या केंद्र में, उसमें कोई झमेला नीतीश जी से और हम लोगों से तेजस्वी से नहीं है। हमको हमारा एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश को बचाओ, महंगाई बेरोजगारी बेतहाशा जो बढ़ा है, 60 रुपया किलो भिंडी बिक रहा है, बताओ 300 रुपया टमाटर, ये हालत है, कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते ही हम मुख्यमंत्री बन रहे, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है, देश की जनता सब लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे। समय जल्दी कमान संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इशू ये अभी नहीं है, हमारा इशू एक ही है कि भाजपा को हटाना है एकदम बिल्कुल, 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना।
क्या ऐसा हुआ था क्या कि ये जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या था? नहीं नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हुआ था। वो यही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है, डू एंड डाई की तरह हम लोग को इकट्ठा होकर के। बाकी सारा देश आजाद हो गया, सब लोग बन गया। तो कल थावे में जो पूजा करेंगे क्या ये भी प्रण रहेगा कि 2024 की लड़ाई पूजा? हाँ, माँ भगवती यहाँ है, हम लोग उनसे ज्यादा देवी देवताओं का पूजा करते हैं। ये तो हनुमान जी को दुरुपयोग किए नरेंद्र मोदी चुनाव में, हनुमान जी ने ऐसा गद्दा मारा कि तो बेइज्जत करता है हम लोगों को भाई, गद्दा मारा कि चित हो गया अभी बंगलोर में कर्नाटका में, उससे इसी तरह से इनको जाना है सब। एक अंतिम सवाल था, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, सबसे अच्छा चेहरा है? अच्छा बुराई कुछ नहीं है, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हम लोग बैठ करके जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हम लोग सुन लगे, कोई नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो ये थे लालू प्रसाद यादव और उन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी और कहा कि 2024 की जो लड़ाई है वो मजबूती से लड़ी जाएगी और भाजपा को हराया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 गोपालगंज।